खबर की कर लेते हैं, एनडीए की कर लेते हैं, जिसमें बिहार के बाद यूपी में भी खटपट शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी के दो सहयोगी उससे नाराज हैं। सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज बीजेपी को सीधे सीधे धमकी दे डाली। राजभर ने कहा कि अगर बीजेपी का यही रवैया रहा तो वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजभर ने यह भी कह डाला कि यूपी ही नहीं बिहार की 16 सीटों पर भी वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं एनडीए के एक और घटक दल अपना दल भी उनसे नाराज चल रहा है। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने बीजेपी पर सहयोगियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो क्या असर होगा अपनों की नाराजगी का और कितना असर डालेगी 2019 पर, ये हम बता रहे हैं। 13 से ज्यादा जिलों में राजभर का वोट बैंक है। पूर्वांचल में हर सीट पर ओम प्रकाश राजभर का अहम रोल है। ऐसे में उनकी धमकी एनडीए को नुकसान पहुंचा सकती है। अपने दल का कुर्मी वोट बैंक पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है आशीष पटेल की। ओबीसी में यादवों के बाद कुर्मी ही सबसे बड़ी जाति है। कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो उसके साथ रहेंगे, नहीं चाहेगी तो 80 सीट पर हम अपना चुनाव यूपी में लड़ेंगे और 16 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हम अपनी तैयारी में लगे हैं, हम 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। हमारी खिलाफत जो भाजपा उत्तर प्रदेश का अपने सहयोगियों के प्रति रवैया है उससे खिलाफत। अगर आप अपने हमारे कार्यकर्ताओं का अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आप 2019 में चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो इसी खबर पर हमारे दो सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी हमसे जुड़ गए हैं, राकेश कुमार सिंह हमसे जुड़ गए हैं। मैं उनका रुख कर लेती हूं। अरविंद, पहले मैं आपका रुख कर लेती हूं कि जिस तरीके से एलजेपी के चिराग पासवान ने दबाव बनाया, ट्वीट पर ट्वीट किए और उनकी बात अमित शाह को माननी पड़ी, इसी तरीके की कुछ राजनीति इस समय ये कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल। निश्चित रूप से शोभना, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत दिनों से मोर्चा खोल के रखा हुआ है, लेकिन उनकी बात लगातार अनसुनी की जा रही है। आप देखिए कि कल आशीष पटेल ने भी इस बात को लेकर मोर्चा खोला कि भारतीय जनता पार्टी उनके दल का सम्मान नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं इसको इस बात से जोड़ के देखा जा सकता है कि जो सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, जितनी सीटें ये लोग मांग रहे हैं उतनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें और लोगों को मौका देना चाहिए जिससे कि हम सीटें जीत सकते हैं। उसके अलावा विकल्प के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के साथ बातचीत कर रही है। जैसा मैं आपको बता दूं कि यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी भी उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाना चाहती है और वहां पर बिहार में उनकी सीटें कम हुई तो उन्होंने एक सीट उत्तर प्रदेश में मांगी है। इसी तरह से जेडीयू, जिनके पास कुर्मियों का बड़ा वोट बैंक है, वो भी उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं जेडीयू एलजेपी को एक सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग किया जाए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जब बात आगे बढ़ी तो आशीष पटेल और ओम प्रकाश राजभर नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कुर्मी वोट की भी उत्तर प्रदेश में अपनी बहुत अहमियत है। यादवों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक अगर कोई है तो वो कुर्मियों का है और ऐसे में उनकी भी नाराजगी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा संकेत होगी। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं। राकेश, अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो शिवसेना महाराष्ट्र में आंखें दिखा रही है, एलजेपी के साथ किस हालात में बातचीत बनी है वो आप भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, और अब उत्तर प्रदेश में अपना दल खड़ा हो गया है, सुहेलदेव पार्टी खड़ी हो गई है, तो एनडीए के लिए जिस मोदी लहर जो 2014 में इन्होंने सबको सबके साथ कहा जाए कि बिग ब्रदर की भूमिका में थे, अब इतनी आसान नहीं है डगर 2019 के लिए। देखिए शोभना, पांच राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के परिणाम है उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है और किस तरह से जो एनडीए के घटक दल हैं अपने बिग ब्रदर को धमकी देते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान सीधे तौर पर सवाल खड़ा करते हैं, 31 दिसंबर का डेडलाइन देते हैं बीजेपी को, और जिस तरह से आपने देखा कि दो दिनों के अंदर पूरी तौर पर सीट का ऐलान करना पड़ा। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चाहे ओपी राजभर की बात हो या अपना दल के जो हैं आशीष पटेल, जिस तरह से भूमिका में नजर आ रहे हैं कहीं न कहीं बीजेपी को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया, बीजेपी के दो नेताओं से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि वे हमारे घटक दल हैं उनसे बात किया जाएगा,
लेकिन जिस तरह से पांच राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं कहीं न कहीं बीजेपी पर घटक दलों का दबाव बढ़ गया है। शिवसेना की जहां तक बात है शोभना, तो शिवसेना लगातार बीजेपी के खिलाफ आग उगलती रही है और जिस तरह से आपने देखा कि लगातार चंद्रबाबू नायडू पहले ही छोड़ चुके हैं, वो महागठबंधन का हिस्सा यूपीए का बनने जा रहे हैं, तो अलार्मिंग तो है सिचुएशन बीजेपी के लिए। राकेश देखिए, साफ तौर पर आपने देखा कि नायडू ने छोड़ा, उसके बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग होती है एनडीए से, और अब उत्तर प्रदेश में दो दल जो है जिस तरह से आंख दिखा रहे हैं, मुसीबत अब 2019 के लिए बीजेपी के सामने खड़ी हुई है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए।